Hello, hello students. Good morning everyone. So you can see this. These type of the graphs are unit graph and they are their points are intersecting to each other at the certain points. So these type of graph are usually unit solutions. Unit means क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट होता है जहां दोनों ये कटते हैं वो यूनिक कहलाता है. इसका हमने एक क्वेश्चन लिया है और उसको हमने करके बताया. सेकेंड जो ग्राफ हमने किया था वो देखा आप लोगों ने कि वो पैरेलल है. सो इस टाइप का ग्राफ जो है पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल चलता है और इसके जो है इनफाइनाइट जो है सॉल्यूशंस आते हैं. थर्ड जो है इसी स्क्रीन के बैक साइड में आप देखें ये को इंसिडेंट है, एक के ऊपर एक ग्राफ चलता है और ये थर्ड टाइप का ग्राफ है. तो इस तरह से जो ये ग्राफ की जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने भी देखा है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे शॉर्ट पीरियड में पता लगे कि ये ग्राफ जो है वो आपका इस तरह का है, कोइंसिडेंट है, यूनिक है या पैरेलल है. तो अब इन सब चीजों के लिए हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज है ग्राफ की, अगर हम उनको देखें तो हम वन वर्ड्स में ही बता सकते हैं कि ये ग्राफ इस नेचर का है, ये ग्राफ इस नेचर का है. तो उसको भी हम देखते हैं इन क्वेश्चंस के द्वारा. तो लेट अस सी दिस टाइप ऑफ द शीट्स. नाउ सी दिस शीट्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स और इसके अंदर हम लोगों ने ये सारी जो प्रॉपर्टी बतलाई. इफ मान लीजिए दो इक्वेशंस है, देर आर टू इक्वेशंस, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and one another is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये दो लीनियर इक्वेशंस आर टू लीनियर इक्वेशंस. देन हाउ वी कैन बी डिफरेंशिएट दैट दिस इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस एंड इट दिस इक्वेशंस हैज पैरेललाइज्ड एंड हैज अ नो सॉल्यूशंस एंड हाउ वी कैन से दिस इक्वेशंस हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी फर्स्ट प्रॉपर्टीज. इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यानी इसका रेशियो यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू है, यानी दोनों बराबर नहीं है, देन द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ द इक्वेशंस विल बी यूनिक. इसका आंसर कैसा होगा? यूनिक होगा और ये इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. जस्ट यू कैन सी दिस एग्जांपल्स. एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाया हमने, इस दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन कोई ऐसे चलेगी, दूसरी ऐसे चलेगी और जहां ये आकर के कटती है उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. यूनिक इसलिए क्योंकि उसका एक ही आंसर होता है और इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसकी पहचान है. तो आप इन क्वेश्चन में इनका इनका रेशियो ले लीजिए, इनका इनका रेशियो, और अगर वो रेशियो दोनों ही इक्वल नहीं हो तो आप कह सकते हो कि ये इसका सॉल्यूशन यूनिक है और इंटरसेक्टिंग है. सेकेंड केस लेते हैं. इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी दो तो बराबर है लेकिन थर्ड जो c1 अपॉन c2 यानी लास्ट वाली जो टर्म है ये वाली, अगर ये दोनों ही रेशियो में बराबर नहीं है, इनके रेशियो सेम आ रहे हैं, इनके रेशियो सेम आ रहे हैं लेकिन इनके रेशियो सेम नहीं है, देन यू कैन से द इक्वेशंस विल हैव अ पैरेलल लाइंस एंड दे विल बी एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इट हैज नो सॉल्यूशंस. क्योंकि दो लाइनें जब पैरेलल चलेगी तो सीधी सी बात है वो कहीं कटेगी नहीं, और जब कटेगी नहीं तो कहीं मिलेगी नहीं, जब मिलेगी नहीं तो उनका कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा. इसलिए पैरेलल के केस में इसके अंदर नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक दूसरे से ये कटते नहीं. तीसरे पॉइंट जो है वो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, यानी देन इक्वेशंस विल बी कोइंसिडेंट.
एंड इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी अगर इन तीनों दो इक्वेशंस में इन तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन कैसी होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस लाइन के ऊपर लाइन, एक लाइन जा रही है उसके ऊपर एक दूसरी लाइन जा रही है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। और जब लाइन के ऊपर लाइन चलेगी तो कहीं मिलेगी नहीं, कहीं कटेगी नहीं, तो इसके ऊपर सारे पॉइंट्स एक के ऊपर एक ही होंगे, इसलिए कह सकते हो आप कि इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि ये चलती जाती है और इसके ऊपर जो सारे पॉइंट होंगे वो एक दूसरे इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। अब ये जो चीज थी हमने इस शॉर्ट मेथड से आप इसको पहचान सकते हो कि ये कैसे है, ये इक्वेशन का नेचर कैसा है, ये क्या है, किस टाइप की है। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल है 3x plus 2y minus 11 equal to 0, दूसरा है 2x minus 3y plus 10 equal to 0. इनका रेशियो 3 upon 2 and 2 upon minus 3 is not equal to. कहां ये 3 upon 2 है, ये 2 upon minus 3. So these are not equal to in proper a1 upon a2 and b1 upon b2. So you can say it has unique solution. क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी कि अगर ये दोनों ये नॉट इक्वल टू है तो ये इक्वेशन कैसी होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी और इंटरसेक्ट ईच अदर है, तो सीधी सी बात है ये दोनों नॉट इक्वल टू है, तो जब नॉट इक्वल टू है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप इनको वन वर्ड्स में इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्वेश्चन को करोगे तो आप इजिली इनको कर सकते हैं। देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल लिया आपने, 2x plus 4y equal to 10, 3x plus 6y equal to 2, 12. कैसी भी क्वेश्चन हो, ये तो हमने बताने के लिए ही है, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 upon 3, 4 upon 6, 10 upon 12 लिया, यानी a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. अब ये आ गया 4 और 6 कट रहा है 2 की टेबल से, 2 upon 3 और ये 5, 2 की 2 5 या 2 से दिया, तो ये दो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, सो इट हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, यानी ये वाली प्रॉपर्टी। तो उस केस में आप कह सकते हो इट हैज नो सॉल्यूशन एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो सीधी सी बात है लाइन कैसे चलेगी, पैरेलल चलेगी। थर्ड एक एग्जांपल लिया आपने 4x plus 6y equal to 18 और 2x plus 3y equal to 9, इसमें देखिए 4 upon 2, 6 upon 3 और 18 upon 9, इनको सबको काटा 2 2 2 इक्वल आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन कोइंसिडेंट है और इसके ऊपर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो ये जो है क्वेश्चंस हैं और आप इसकी मदद से आप कर सकते हो। शॉर्ट मेथड में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं कि बताइए ये इक्वेशन कैसी है, इसका नेचर कैसा है, इसके नो सॉल्यूशन है या कैसा है, तो ये सारी चीज जो है वो आप इसके मार्फत समझा सकते हो। अब मैं दूसरी शीट लेता हूं और इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशंस, कैसा नेचर है, एक इक्वेशन ये लिया, दूसरा ये लिया, इनका रेशियो लिया 1 upon 3, 1 upon minus 2, 3 upon 4, दोनों नॉट इक्वल टू है, इसी बात है ये यूनिक है और ये इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका ग्राफ है। दूसरा एक क्वेश्चन और लिया, ये वाला x plus y equal to 5, 1 upon 2, 1 upon 2, 5 upon 10, आटा तीनों इक्वल आ गए, जब तीनों इक्वल आए तो कोइंसिडेंट है और एक के ऊपर एक है और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। थर्ड एक क्वेश्चन और ले लिया जो पैरेलल का है, वो भी इस तरह से दिया हुआ है और इसका भी हमने ये लिया, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनको इजीली आप क्वेश्चंस को देख कर सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इनको देखना और इनकी मदद से इसको मिलाना, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता है, इसलिए ये इसको ध्यान से करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। देखिए ये शीट है, थर्ड वाली शीट जो है वो इसमें होमवर्क शेड्यूल दिया हुआ है, कंपेरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, देन फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशंस। कैसी इक्वेशन है, कैसा नेचर है, ये आपको खुद को होमवर्क में करना है और इसके लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। ये 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 ये